फॉलोइंग सीक्वेंसेस। चलो फर्स्ट उसमें फर्स्ट लिख रहा हूँ, आपको बताना है टू आगे का नंबर कौन सा होगा, आपको सोचना है, सोचना है कुछ ही बताओ, ठीक है। आपके सामने मैंने टर्म्स रखे नंबर की एक सीरीज तुम्हारे सामने। इसमें आपको नेक्स्ट टर्म आपको बताना है, तो आप बताओ टू के बाद फोर या फोर के बाद एट, एट के बाद सिक्सटीन, बता आगे क्या होगा, डिफरेंस कितना है, थ्री का, लेकिन फोर और नाइन में डिफरेंस कितना है,
फाइव का, तो डिफरेंस यहाँ पे थ्री का डिफरेंस है, यहाँ पे फाइव का डिफरेंस है। इसको नहीं बोलते अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इन दोनों में थ्री का डिफरेंस है, इन दोनों में फाइव, इन दोनों में सिक्स का डिफरेंस है, फाइव और इलेवन में सिक्स का डिफरेंस, और इलेवन और ट्वेंटी थ्री में ट्वेल्व का डिफरेंस है, तो डिफरेंस अलग अलग हो रहा है, तो इसको नहीं बोलते, इसको एपी नहीं बोलते, एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। थ्री और फाइव में कितने का डिफरेंस है, फाइव और सेवन में, सेवन और नाइन में बता डिफरेंस है ना, इसको बोलते अरिथमेटिक। बताओ इनमें डिफरेंस कितना है, टू और फोर में, टू फोर और एट में, फोर और एट और सिक्सटीन में, एट बता डिफरेंस बदल रहा है ना, इसको नहीं बोलते। जिसमें डिफरेंस सेम आता है कंसेक्यूटिव टर्म्स में, उसको बोलते हैं अरिथमेटिक। द सीक्वेंस, द सीक्वेंस इन विच, ऐसा सीक्वेंस जिसमें इन विच द क्या डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स, कंसेक्यूटिव टर्म्स हम बोलते हैं टर्म इज सेम, या फिर उसको क्या बोलते हैं कॉन्स्टेंट, वो बदलता नहीं, इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज शॉर्टकट में क्या बोलते द सीक्वेंस इन विच, ऐसा सीक्वेंस जिसमें द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स, ये जो कंसेक्यूटिव टर्म का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले, थ्री के बाद फाइव, फाइव के बाद सेवन, सेवन के बाद नाइन, बोलते कंसेक्यूटिव टर्म्स एक के बाद एक, उनका डिफरेंस सेम रहता है, इनका डिफरेंस टू है, इधर भी डिफरेंस टू है, इधर भी डिफरेंस टू है, वो डिफरेंस चेंज हो रहा है कि कॉन्स्टेंट है, डिफरेंस चेंज हो रहा है कि कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है, एक बार डिफरेंस टू है तो बाद में डिफरेंस टू टू है, चेंज होता है तो उसको फिर नहीं बोलते, तो डिफरेंस वैसा सेम अच्छे यानी कांस्टेंट है, इज कॉल्ड ए एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी तो इसमें से कौन है, थ्री फाइव सेवन नाइन, ठीक है, इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्यों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इन सीक्वेंस 3, 5, 7, 9। चलो इनका डिफरेंस करते, डिफरेंस कैसे करते पता है, आगे वाले से पीछे वाले को माइनस, 5 माइनस 3 कितना, अब 7 में से किसको माइनस कितना है 2, फिर 9 में से किसको माइनस कितना है 2, तो डिफरेंस ये वाला है, तो देयरफॉर ये लिखना दिस इज एन क्या, ये एपी अरिथमेटिक, ये डिफरेंस कैसे आ रहा है, सेम इसमें फर्स्ट टर्म को बोलते हैं टी वन, कितना है वो थ्री, सेकंड टर्म कितना है उसको थ्री टू, फिर थर्ड टर्म इलेवन, यानी कितना आगे के टर्म में पता नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे हम डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आगे वाले से पीछे वाले को, यानी T2 से आपको माइनस करना पड़ेगा T1, तो यानी 7 माइनस 3 कितना है, फिर T3 से किसको माइनस करना पड़ेगा, जस्ट उसके पीछे वाला T3 से जस्ट पीछे कौन है T2, तो T3 से T2 को माइनस करो, यानी इलेवन में से सेम आया कितना आया, अब T4 में से किसको माइनस करो T3, यानी 15 माइनस कितना आया, तो बताओ यहाँ पे डिफरेंस सेम आ रहा है, तो क्या लिखेंगे हियर डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम, दैट इज फोर, डिफरेंस बिटवीन
एनडी टू कंजर्वेटिव टर्म्स इज सेम। यहाँ पे सेम की जगह हम अपने लिखने के हिसाब से कांस्टेंट को लिख रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजुगेट टर्म इज कांस्टेंट। कांस्टेंट है यानी वो चेंज हो रहा है क्या? नहीं। कितना है डिफरेंस? फोर। तो देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन गिवन सीक्वेंस क्या है? कैसे? चार टर्म आपको दिए हमने, उनको नाम दिया फर्स्ट टर्म T1, T2, T3। अब क्या किया आपने, इनका डिफरेंस करके देखा। T2 - T1, T3 - T2, T4 - T3 करके देखा, सबका आंसर देखा कितना आ रहा है, सेम हो रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, चेंज हो नहीं रहा। हियर डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, यानी कोई भी टू कंजुगेटिव टर्म लो, या तो ये लो या ये लो या ये लो, इनका डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा, वो फोर आ रहा है। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज ए, तो हियर तो वो जो मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, ये कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ बेस्ड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कॉमन है ना, बदल थोड़ी रहा है, कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं डी। कितना है वो? फोर। बता डिफरेंस फोर का ही है, तो उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस यानी डी। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? टी वन। लेकिन आप इसमें ए भी बोल सकते, क्या बोल सकते? ए। तो बता फर्स्ट टर्म कौन है? फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को टी वन भी बोलते हो, ए भी बोलते। ये मत इसको ये बोलना, इसको बी मत बोलना, ए बी सी डी नहीं है वो, हाँ बस फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? ए, ए यानी टी वन पहला। और सबका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस है, सब में डिफरेंस फोर फोर के। तो सर ये तो बात हो गई किसकी, सर आगे वाले टर्म कैसे पता करें? अगर ये तो डी टी फोर तक पता है, T1, T2, T3, T4, फिर T5 पता करना है तो आगे के टर्म पता करने के लिए काम करना, जैसे T5 पता करना है। एक बात बता, आप ही बताओ 15 के बाद क्या आएगा? 19। ये T4 है ना, बताओ 15 के बाद क्या आएगा? 19। आपने क्या सुना? T4 में 4 एड, 4 यानी डिफरेंस, 4 यानी क्या? T4 में डिफरेंस जितने का था वो ऐड किया, T4 15 है उसमें डिफरेंस 4 ऐड किया तो तुम्हें मिला T5, क्या मिला? 19 मिला ना, तो इसका मतलब T5 का फॉर्मूला क्या है? T4 में D ऐड करो, T4 में D ऐड करो, तो मतलब T5 का फॉर्मूला क्या है? पिछला वाला टर्म T5 के पिछले कौन है? T4, उसमें डिफरेंस ऐड करो, फोर्थ टर्म में डिफरेंस ऐड करोगे फिफ्थ टर्म में, और फिफ्थ टर्म में डिफरेंस ऐड करोगे तो फिफ्थ टर्म में डिफरेंस ऐड किया तो क्या मिलेगा? सिक्स टर्म। बताओ सेवन्थ टर्म कैसे मिलेगा? सिक्स टर्म में क्या ऐड करो? ऐसे तुम्हें आगे के टर्म मिलेंगे। चलो T5 कैसे मिलेगा? पिछला टर्म कौन है? T4, उसमें डी ऐड किया। बोलो T4 कौन है? बताओ डी कितने का है? कितना है? ये हो गया फिफ्थ टर्म। मतलब सिस्टम का फॉर्मूला क्या है? T6 का T5 प्लस D, मतलब T5 कितना है? 19 प्लस डिफरेंस कितना है? कितना हुआ? मतलब T7 का फॉर्मूला T6 प्लस D, मतलब सिस्टम कितना है प्लस D कितना है? कितना है? इसका मतलब पता, हर बार D मिलाना है, तो D कितना है? 4। हर बार 4 4 4 ऐड, D ऐड करते हैं, लेकिन याद रखना T4 में डी ऐड करोगे तो T5 मिलेगा, T5 में डी ऐड करोगे तो ऐड करने से आगे वाला टर्म मिलेगा। अब T5 में डी ऐड किया तो आगे वाला टर्म कौन है? T6। और T6 में डी ऐड करो तो आगे वाला कौन मिलेगा? T6 है ना, इस तरह से वो टर्म मिलते जाते। तो ये कुछ ऐसे वॉट्स।